अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो रेसिपी है मटन स्टू की। तो मटन स्टू बनाने के लिए आपको जो भी चीज़ इस्तेमाल होंगी वो हम आपको रेसिपी के दौरान दिखाएंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको एक कुकर लेना है और उसमें आपको कुकिंग ऑयल ऐड करना है। यहाँ पर हम मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमने कुछ इतना ऑयल लिया हुआ है, ये कम से कम आपका 3 टेबल स्पून ऑफ ऑयल होगा। अब इस ऑयल को हम हीट होने देते हैं। सो यहाँ पे जो हमारा ऑयल है वो ऑलमोस्ट हीट हो गया है, तो अब इस बारी है इसमें ऐड करने की लहसुन और अदरक। यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज का लहसुन लिया है जिसको हमने छील के इस तरह से थोड़ा थोड़ा चॉप कर लिया है छोटा छोटा, और बड़े अदरक के टुकड़े को ये देख सकते हैं, इतनी अदरक को हमने महीन चॉप किया। अब इसको ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे कुछ खड़े गर्म मसाले, जिसमें से हमारे पेपरकॉर्न्स, एक मोटी इलायची, 2 से 3 लौंग और 3 छोटी इलायची, लेंगे इसको। स्टर देने के बाद आपको इसमें ऐड करने हैं 7 से 8 हरी मिर्ची इस तरह से महीन काट के। हरी मिर्ची ऐड करने के बाद यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं 1/2 kg मटन का, ये देख सकते हैं। अब इसकी बारी है ऐड करने की। इसमें साथ में अपनी बाकी चीज़ों की क्वांटिटी मिली है जिसमें भी हमारे मसाले में इस्तेमाल करेंगे, ये आपको दिखाएंगे। वैसे मैं मेरे पास थोड़ा सा आपको चल दे लेना है। अब ऐड करेंगे इसमें सॉल्ट। यहाँ पे सॉल्ट हमने 1 टीस्पून के अराउंड ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। और अपने मटन को इसे थोड़ा सा खुला भूनने देंगे, अगर इसकी जरूरत तब्दील हो जाएगी तभी इसमें बाकी स्पाइसेस को ऐड करेंगे। थोड़ा सा चला के आपको इसको भून लेना है। तो यहाँ पर जो हमारे पाउडर मसालों का इस्तेमाल होगा वो कुछ इस तरह से, यहाँ पे आपको 1/2 टीस्पून हल्दी लेनी है, 1 टीस्पून आपको लाल मिर्चों का पाउडर लेना है, 1 टीस्पून गरम मसाला जाएगा, 2 टीस्पून यहाँ पे साबुत धनिया को क्रश करके हम डालेंगे, इसको हमने थोड़ा सा क्रश कर लिया था। और यहाँ पे दालचीनी की स्टिक आप देख सकते हैं, एक टुकड़ा ले सकते हैं आप या 2-3 इस तरह से छोटे टुकड़े भी ले सकते हैं। और 1 चम्मच यहाँ पे शाही जीरा जाएगा। तो चलिए इसको ऐड कर देते हैं। हमारा मटन जो है वो भुनने लगा था, रंगत बदल गई थी, तो हमने इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। तो मटन को थोड़ा सा इन मसालों के साथ भुनने देना है ताकि मसालों की जितनी भी अरोमा है हमारे सब मटन में आ जाए और मटन का जो कच्चापन है वो कम हो जाए और मटन की खुद की स्मेल जो है वो निकल जाए। तो इसके साथ थोड़ा सा भुनने देंगे, उसके बाद आपको फर्दर स्टेप्स हम दिखाएँगे अपने। तो यहाँ हमारा मटन जो है वो भुन गया था, तो अब बारी है इसको प्रेशर में कुक करने की। तो उसको हम लोग कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए प्रेशर में कुक करेंगे जब तक इसमें 3 विसल ना आ जाए। तो चलिए इसको लिड लगा के सील कर देते हैं। उससे पहले इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा पानी ताकि ये चिपके ना, और अब इसको सील कर देते हैं 7 से 8 मिनट। यहाँ पर हमारा जो इसका प्रेशर का टाइम था वो ओवर हो गया है और अभी हम आपको इसका लिड हटा के दिखा रहे हैं। और यहाँ पर ऑलमोस्ट जो हमारा मटन है वो गल चुका है, ये देख सकते हैं आप। अगर आपको चेक करना हो ये टेंडर हुआ है या नहीं तो आप नाइफ की हेल्प से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे के आपको स्टेप्स इसमें दिखाते हैं। हम ऐड करेंगे इसमें दही। यहाँ पे कम से कम हमने 30 से 40 ग्राम दही का इस्तेमाल किया है, दही को फेंट के डाला है इसमें हमने। तो थोड़ा सा इसको स्टर दे देंगे दही डालने के बाद। अब इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज की फाइनली चॉप्ड अनियंस, महीन काट लेना है आपको, और 2 बड़े प्याज का इस्तेमाल किया है हमने यहाँ पे, इसको दे लेंगे एक स्टर। इसको इसके साथ थोड़ा सा भून लेंगे। यहाँ पे ये दही के साथ भुन गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे क्रश टमेटोज। यहाँ पे हमने 2 से 3 टमाटरों को क्रश करके ऐड किया है, प्यूरी नहीं बनाई है फ्रेंड्स, क्रश किया है, इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ। इसीलिए आप देख सकते हैं थोड़ा सा साबुत टमाटर भी एक तो जगह पे है। तो इसको इसके साथ अब थोड़ा सा भून लेंगे टमाटर ऐड करने के बाद, कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए। अब इसको हम भुनने देते हैं, इस पर लिड ऐसे रख के, प्रेशर नहीं लगाना है, उस नॉर्मल लिड रख के आपको भुनने देना है मीडियम। तो यहाँ पे हमारे 10 मिनट की ड्यूरेशन ओवर हो गई थी और ये अच्छे से भुन गया है, ऑलमोस्ट ये पूरा पक गया है। बारी इसमें लाल सूखी मिर्ची ऐड करने की। तो ये देखिए इस तरह से मैंने थोड़ी सी तोड़ ली है इसको, 2-3 लाल मिर्ची को, और इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा सा इसके साथ चला लेंगे और फिर ये बिल्कुल रेडी टू सर्व है।
थी हमारे मटन स्टू की रेसिपी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, मेरा तरीका आसान लगा होगा और ये आप रेसिपी घर पे अपने ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना ना भूलिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी मेरे तरीके से। और मैंने सारे मिनिमल इन्ग्रीडियंट्स इसीलिए इसमें इस्तेमाल किए हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ आगे शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को हिट करिए। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, टेक केयर।